नमस्कार, मैं शारदा सिंह, आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। सहारनपुर जनपद में पुलिस टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया, जहां थाना प्रभारी ने मुकदमा दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पीआरवी 973 की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई और शीशे चकनाचूर कर दिए गए। दरअसल पूरा मामला सहारनपुर के फतेहपुर इलाके में शराब के ठेके पर शराब लेने आए युवक का सेल्समैन से शराब न देने को लेकर विवाद हो गया था, जिससे सेल्समैन ने युवक को डंडा मारकर घायल कर दिया था। युवक ने 112 को कॉल की, जहां शराब सेल्समैन पिता और उसके दोनों पुत्रों ने पुलिस की गाड़ी पर हमला कर दिया। थाना प्रभारी ने आरोपियों के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज कर तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। कल देखिए रात को थाना फतेहपुर में ग्राम बहेड़ी से कॉल आई 112 पे कि दो व्यक्तियों के द्वारा मारपीट की जा रही है। वादी के कॉल पे डायरेक्ट 112 की गाड़ी जो पीआरवी 973 थी वो मौके पर पहुंची, तो जो अभियुक्त थे जिनके लिए गाड़ी पहुंची थी उनके द्वारा गाड़ी के शीशे पे डंडे से मारा गया, जिससे गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई और ये इसकी सूचना थाने पर दी गई। तो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पहुंच के दो अभियुक्त जिनका नाम आशीष और नेत्रपाल है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। आईपीसी की धारा 353 332 और 7CLA का अभियोग इनके विरुद्ध पंजीकृत करके इनको जेल भेजा जा रहा है। अभी तक तो दो का ही नाम है। जी, ये जो विवाद है ये शराब के ठेके से ही शुरू हुआ और वो ठेके पे एक व्यक्ति गए जो कॉलर थे जिन्होंने पीआरवी को बुलाई और उनके साथ पहले मारपीट की गई, तो ये जो दोनों व्यक्ति अभियुक्त हैं ये शराब के ठेकेदार हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।